क्लास बेस है डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट में। अब आपको इसका डिस्क्रिप्शन देंगे, बताइए। वर्क देखिए, आप पहले तो सारा का सारा ओपेक लगाए जो कि काला नहीं पड़ता कभी भी। थ्रेड वर्क है, सीक्वेंस भी आपको देखो वाटर सीक्वेंस लगी हुई है, और ये सारा का सारा रेम्बो सीक्वेंस जो प्री वेडिंग शूट प्रॉपर जो जाते हैं कस्टमर्स हैं मेरे मालदीव्स वगैरह या कहीं पर जाते हैं, तो आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं कॉन्सेप्ट्स। और इसका नेक का पैटर्न देख सकते हैं, नेक की गैप जो काफी ज्यादा सही में देखेंगे। थ्रेड पॉल्स, जर्कन, कटदाना बहुत ही ज़्यादा बारीक और टाइम कंज्यूमिंग है। ये बेल्ट का पैटर्न भी दिया हुआ है इसमें, इसका वर्क भी आप दिखा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। तो ये कंट्रास्ट है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसका दुपट्टा भी बूटी वाला है, बैक इसकी काफ़ी। तो फ्रेंड्स, दोबारा से आया हूँ श्री गुरु कृपा क्रिएशन फैक्ट्री आउटलेट में। काफ़ी टाइम बाद आए हैं और जान लेते हैं क्यों इतना लेट हो गया और आज क्या स्पेशल आए हैं। एक्चुअली क्या था कि हमारे बीच में शिफ्टिंग का थोड़ा वो हो गया था, फैक्ट्री को शिफ्ट करनी थी। फैक्ट्री न्यू लिए इन्होंने, शिफ्टिंग था, तो इसलिए हमको काफ़ी टाइम लगता, अराउंड 4 मंथ का गैप हो गया क्योंकि आउटलेट उस के अकॉर्डिंग हमको मिल नहीं पाया जिसके अकॉर्डिंग हमें चाहिए था। इसलिए इस बीच में काफ़ी कस्टमर की ड्रेसेस भी कुछ डिले हो गई थी जी, और काफ़ी कम कस्टमर्स भी बोल रहे थे कब अब न्यू शूट होगा। तो बिकॉज ऑफ मैं जितना भी शिफ्टिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, बट मैं फिर से आया हूँ एक नए वीडियो के साथ और नया कुछ हटके लेकर, जो इस बार सारे के सारे कॉन्सेप्ट यूज करे हैं जो डिजाइनर्स के हैं, दिखाया कुछ डिजाइनर भी दिया, और आप कह सकते हो कि नेट भी यूज करा है, ऑर्गेंजा भी यूज किया, चिनोन भी यूज किया, जॉर्जेट भी यूज किया हुआ है, जितना मोस्टली मेरे से हो सका मैंने आपको जो भी ट्रेंड में चल रहा है। यस यस, फैब्रिक ले लीजिए, डिजाइनिंग ले लीजिए, जितने भी हो सकते हैं कॉन्सेप्ट भी डिफरेंट दिए हैं। जैकेट पैटर्न भी दिया है आपको, गाउन्स भी दिया है, क्रॉप टॉप भी दिया है उसके अंदर, आपका लेजर पैटर्न भी दिया हुआ है, बॉल लुक के अंदर भी गाउन्स दिए हैं, रिंग स्टाइल भी दिया हुआ है। प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग है देखेंगे। यस, ये मेरी प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग है, हमारे सैंपलिंग और वो कस्टमर के अकॉर्डिंग। और एक और फैक्ट्री है जहाँ पर प्रॉपर बनता है। एग्जैक्टली, अगर किसी को विजिट करना है तो विजिट भी कर सकते हैं, बट पहले कॉलिंग पर डिस्कस कर लें कि आपको चाहिए क्या। हाँ, exactly. इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। और ये रिटेल शॉप समझकर मत आइए, जो भी एंड कंज्यूमर है, जो भी आपको कुछ भी चाहिए कस्टमर से डिस्कस करना है, फाइनलाइज हो जाए पहले, फिर आप आके विजिट कर सकते हैं। कोई ट्रस्ट इशू है अगर आपको जी, तो उसके अकॉर्डिंग आप आके विजिट। हाँ, जिनको कस्टमाइजेशन करवानी है, एडवांस करवाना है, अगर आप प्रॉपरली कॉल पर नहीं समझा पा रहे मुझको या आप नहीं बता पा रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो आप विजिट करके आप मुझे उसको एक्सप्लेन। और जो रीसेलर्स हैं, बुटीक वाले हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, यस यस सर, हमारी सब तरह से डीलिंग होती है, बुटीक्स भी हैं, होलसेलर्स भी हैं, आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ दिल्ली, हर जगह हमारा माल सप्लाई होता है। और इसी कारण आपको रेट भी डिस्क्लोज नहीं करे, रेट डिस्क्लोज नहीं कर क्योंकि सकते, आगे प्रॉब्लम आती है, क्लाइंट है तो हम रेट डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हाँ, जो रीसेलिंग करते हैं, मेरे कस्टमर जुड़े हुए हैं और जो भी व्यूअर हैं राहुल जी के, वो आप देख सकते हैं उनके अकॉर्डिंग हम प्रीमियम कॉन्सेप्ट ही लेकर आते हैं जी। और रेंज आपको पता है, जब आप भी मेरे से जो बाय कर चुके हैं, जो अपना फीडबैक पता है कि मैं किस रेंज के किस रेंज में बनाता हूँ उनको, और आप जैसा मर्जी डिजाइन है आपको कुछ भी चाहिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बट वो डिजाइनर पैटर्न होना चाहिए जी। तो वो इजी होता है मेरे लिए क्योंकि हम उसी में ही काम करते हैं। मेन काम है डिजाइनर्स रेप्लिकास बनानी, आपको अफोर्डेबल रेंज में देना। जो मेरे कॉन्सेप्ट है वो भी आपको लाइक कि हमको ये अपर पार्ट हमको समझ में आ रहा है, ये इसका कर दो, ये बॉटम डाल दो, जी वो भी पॉसिबल है जी। आपको इसका वर्क इसके अंदर चाहिए वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, मदर डॉटर कॉम्बो चाहिए वो भी अवेलेबल है, बट आपको थोड़ा जो भी मेरा टाइम लगेगा बिकॉज ऑफ, मैं आपको बारीकी बात बता दूं, जैसे ये पैटर्न नहीं मेरा बना हुआ है, थोड़ा ओपन दिखाते थे मेरा ये पैटर्न बना हुआ, समझा देते लाइक ये मेरा पैटर्न बना हुआ है, आपने मुझसे कहा कि ये पैटर्न मुझे इस कॉन्सेप्ट में, वो भी उतार के दिखा देते हैं। जैसे कि आपको ये इसका अपर पार्ट यही चाहिए जो गाउन का, ये कॉन्सेप्ट आपको इसमें ट्रांसफर करना है जी, तो मुझे जो इसके अंदर कॉस्ट ट्रांसफर होने में लगेगी वो आपको उतना मुझको पे करना जी, एडिशनल जो भी चार्जेस होंगे, क्योंकि मैं एग्जैक्टली सेम का आपसे एक्स्ट्रा पे नहीं मांगूंगा जी, आपको कुछ भी आप कस्टमाइज्ड करवाएंगे, कस्टमाइजेशन आपको उसका पे करना, और जो भी उसका बॉटम पसंद है मैं बॉटम चेंज कर दूंगा, इसमें डाल दूंगा, अपर पसंद है मैं अपर चेंज कर दूंगा। और अगर आपको अदर भी कोई सोशल मीडिया में अगर फोटोज देखते हैं आपको अपने हिसाब से, किसी का भी डिजाइन आप मुझे भेज के बता सकते हैं, बट वो डिजाइनर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, हैंडवर्क से रिलेटेड होना चाहिए जी। मैं फैब्रिक्स के अंदर ज्यादा जाता नहीं क्योंकि वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, इसलिए मैं उसमें ज्यादा बनाती, बट मैंने इस बार फिर भी ट्राई
किया है कि आपको 1 से 2 डिजाइन एटलीस्ट फैब्रिक के दिखा सकूं जी, जो मैं प्रोवाइड करा सकता हूं, जो प्रोवाइड कर सकता हूं। यस एग्जैक्टली। तो टाइम पीरियड लेकर चलना माइंड में रखना, टाइम पीरियड आपको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आप मुझे अपना मेजरमेंट दोगे, मैं उसके अकॉर्डिंग आपकी स्केचिंग करवाऊंगा, फिर जाकर प्रोसेस में आएगा, इसलिए हमको थोड़ा टाइम चाहिए होता है जी। अगर क्योंकि हमारी ट्रेडिंग का काम नहीं है कि हमने किसी से लेकर आपको सेल आउट कर दिया, इसलिए टाइम प्रॉपर चाहिए होता है, तो आप पहले से उसकी बुकिंग्स और वो लेके चलें, क्योंकि एवरीडे बुकिंग्स होती है, ये नहीं है कि हम 10 दिन पहले 20 दिन पहले, कभी क्या होता है हम 25 to 30 डेज लेके चलते ही हैं, इतने में हम प्रोवाइड करा देंगे एटलीस्ट इतना टाइम पीरियड। समटाइम्स क्या होता है रश के कारण वो 30 से 35 भी दिन हो जाते हैं जी, और इसलिए अगर आपके पास टाइमली है तो उसके अकॉर्डिंग आप पहले माइंड मेकअप कर लीजिए, जबकि आपको भी प्रॉब्लम्स ना आ सके। और जो वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स हैं उनके लिए जान लेते हैं क्या फैसिलिटीज हैं, उनको हम प्रोवाइड कराते हैं जैसे हर टाइप का शिपिंग जो है हमारी प्रोवाइड होती है, बट जो हम प्रोवाइड करते हैं फेडएक्स और DHL के थ्रू हम भेजते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई पर्सनलाइज है जिसके अकॉर्डिंग आप भेज सकते हैं या हमें बता सकते हैं तो वो इज, क्योंकि वो थर्ड पार्टी है। कई बार कस्टमर कहते हैं कि भैया वो इतना ज्यादा चार्ज कैसे कर रहे हैं, तो अगर आपका कोई पर्सनलाइज है जिसके आप जानते हैं जिसके थ्रू मैं भेज सकता हूँ तो मैं उनके थ्रू भी प्रोवाइड करा सकता हूँ, क्योंकि थर्ड पार्टी उससे हमारा कोई, और शिपिंग चार्जेस मैं कोई भी रेट डिस्क्लोज करता हूँ आप मुझसे पूछते हैं, तो शिपिंग चार्जेस जो है वो सेपरेट होता है, मैं उसके अंदर इंक्लूड करके नहीं बताता। तो माइंड मेकअप करके रखना है आपको, लाइक मैंने बताया कि 500 रुपीज है जी शिपिंग, और आप कहते हैं 300 में जाना है, तो आप 300 जो आएगी स्लिप वो आपको पे करना है, मुझे कुछ उसमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, जो आपको बता दिया जाएगा एग्जैक्टली वो आप उसको पे करिए। तो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कलेक्शन बनाई है, और अब ये नहीं है कि काफी टाइम हो गया था हमको आए हुए, अब हमारा मोटिव ये है कि एवरी मंथ आपको कुछ नई नई वैरायटीज मैं आप तक पहुंचा सकूं, वंस और टूज इन अ मंथ की कोशिश रहेगी, एक दो बार आने की इन अ मंथ। पैटर्न हैवी लहंगे हो गए, कुछ एथनिक कॉन्सेप्ट भी आप ऐड ऑन करेंगे नेक्स्ट शूट पे लेकर आ रहे हैं, देखेंगे। और साथ ही साड़ी के अंदर जो डिजाइनर कॉन्सेप्ट चल रहे हैं आपको अच्छे डिजाइनरों के नाम पता होंगे, तो उनसे रिलेटेड मैं कुछ नया बना रहा हूं, और हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सही, मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है, देखेंगे। फ्रेंड्स ये डिजाइन देख लेते हैं, देख सकते हैं मस्टर्ड टोन के अंदर बना हुआ है सारा ये, इसकी चोली काफी वर्क देख सकते हैं आप, काफी ज्यादा डिफरेंट वर्क कॉन्सेप्ट समझना, लाइनिंग के ऊपर है ये, जैसे लाइंस कॉन्सेप्ट होता है उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है सारा ये वर्क, देखिए लाइंस पे जैसे करदाने का लोड है सीक्वेंस का, और लीफ पैटर्न के अंदर बनाया हुआ है जितना भी है, शेडो सारा यूज़ करता हूँ जिससे कि इसकी शाइनिंग और टोन टू टोन वर्क का इन्हेंस अलग ही होता है। बैक इसका बैक भी देख सकते हैं, बैक पे भी वर्क है, सारा हैंड वर्क है, और ये हमारी पर्सनलाइज डिजाइनिंग होती है, ये नहीं कहीं से ट्रेडिंग करा या कहीं से लेकर हमने करा, स्पेशल स्केचिंग होती है उसके अकॉर्डिंग इसका वर्क किया जाता है। जितने भी अभी तक मैंने आपको डिज़ाइन दिखाए हैं, ये आप उसका लहंगा भी देख सकते हैं, क्रॉप जो स्कर्ट है, जितना भी अंदर ग्लिटर नेट दी हुई जिससे इसकी शाइनिंग हो रही है, घेरा भी काफ़ी अच्छा है, बाउंस लुक के अंदर है, तो उसका लुक काफ़ी ज़्यादा प्रीटी है। दुपट्टा इसका रफल पैटर्न के अंदर है, जलेबी शेप के अंदर जो आता है वो इसका दुपट्टा है, कलर कस्टमाइज इसमें भी हो जाएंगे, सारे कलर्स हम प्रोवाइड कर देंगे सारा, प्योर डाई वाल होता है, डाई होता है सारा का सारा, इसमें जितना भी लगा हुआ सारा प्योर लगा हुआ, तो आपको जो कलर चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा इसके लिए। तो फ्रेंड्स ये डिज़ाइन देख लेते हैं, क्रॉप टॉप में ये भी कंट्रास्ट के अंदर दिया हुआ है, प्योर जॉर्जेट का फैब्रिक है, उसमें ब्यूटी का कॉन्सेप्ट है, एक बॉर्डर और ये देखेंगे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, बूटी फैब्रिक है ये, डाई वाले ये, तो आप इसमें कलर्स कोई भी आप चूज कर सकते हो, सारे प्रोवाइड करा दूंगा मैं। ठीक है, कलर्स इसमें कंट्रास्ट जैसा चाहिए आपको वैसा मिल जाएगा, ये चोली का पैटर्न भी है, ये भी सारा डाई वाल है, तो कलर्स आपको जैसा इसमें चाहिए वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नीचे टसल्स भी दी हुई है इसके अंदर मोतियों की, अभी देखें शोल्डर पे भी इसके जो दिया हुआ है स्लीव्स को अटैच करके, इस पे भी दिया हुआ है, अब इसके अंदर कलर्स आपको जैसा चाहिए वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको। फ्लेयर दिखा देते हैं, फ्लेयर भी काफ़ी अच्छा है इसका, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फ्लेयर है, ना जैसे भी कस्टमाइजेशन करवानी और हैवी चाहिए कैंस मिल जाएगा, और कुछ एड ऑन्स करना है वो भी सारी चीज़ अवेलेबल है, ऑल कस्टमाइजेशन आर अवेलेबल, साइजेज ले लीजिए, कलर भी ले लीजिए जो आपको चाहिए जैसा चाहिए वो प्रोवाइड कर। इसके अंदर कलर्स ऑप्शन मेरे पास है, सारा डाइवल होता है, प्योर वाइट है,
तो आपको जैसा ही बॉर्डर इसके अंदर कंट्रास्ट में चाहिए बॉटम का ऊपर का, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन देख लेते हैं। रफल्स पैटर्न के अंदर है, डिफरेंट रफल्स हैं, जैसे छोटी फ्रिल्स के अंदर है, फिर बड़ी है, फिर छोटी है, फिर बड़ी है, कुछ डिफरेंट डिज़ाइन दिया है। जो मैं पहले रफल्स देता था वो एक ही कॉन्सेप्ट में होता था, अभी इस बार थोड़ा मैंने ये डिफरेंट दिया। इसका वर्क का पैटर्न भी देख सकते हैं, इसमें मिरर भी यूज़ किया हुआ है, मिरर और स्टिच ये, यस यस सब स्टिच है। और ये थोड़ा चोली का पैटर्न भी डिफरेंट है, वो एक्चुअली डमी है, प्रॉपर वियर करने का इसका लुक जो है डिफरेंट आएगा। बेल्ट पे भी वर्क दिया हुआ है, फ्रंट और बैक आप देख सकते हैं, बैक भी सुंदर है, इसकी डीप नेक है काफ़ी ज़्यादा। आपको कोई डिज़ाइन पैटर्न भी डालना है बैक के अंदर तो वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। ये देख सकते हैं इसका दुपट्टा भी रफल के अंदर है, कलर कस्टमाइज हो जाएगा सारा, जो भी कलर आप चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग इसका जो ये कटदाने का वर्क है वो सब चेंज हो जाएगा इसके अंदर। बट मिरर और ये कटोरी की जो शेप है, ये जो लगी हुई है इसके अंदर, वो सेम रहेगी। तो फ्रेंड्स कुछ ट्रेल कॉन्सेप्ट के लाए हैं गाउंस, फ्लेरी पता है प्री वेडिंग शूट के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं जिनको प्री वेडिंग रिक्वायरमेंट्स होती है। बुटिक्स के अंदर काफ़ी जो रेंटल्स प्रोवाइड करते हैं रेंट पर, उनके लिए भी है ये देखेंगे सर, माइंड में रखते हुए। काफ़ी ज़्यादा ट्रेल इसका अराउंड 1.5 मीटर का है, अगर और भी ज़्यादा चाहिए तो वो भी हो जाएगा, बट उसका एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ेगा। बैक एडजस्टेबल है, साइजेस कुछ भी हो जाएगा एडजस्टेबल है, ये थोड़ा हिप तक है जिसके कारण आपका वेस्ट जो साइज होता है वो इजिली एडजस्टेबल हो जाएगा। इसका बैक है, इसकी फ्रंट दिखा देता हूँ आपको, ये इसकी फ्रंट है जो कि काफ़ी सुंदर बनी हुई है, सारा पिंटेक्स के अंदर बनाया हुआ है ये। आप देखिए अगर ये किसी को कवर कराना है तो वो भी हम करके दे देंगे, थोड़ा ऊपर का पैटर्न चेंज कराना है तो वो भी हम कर देंगे, ऑफ शोल्डर या कुछ भी आपको चाहिए तो वो आपको बताना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हम कर देंगे। इसका बैक का ट्रेल और वो आप देख सकते हैं, इसमें दो गाउन बनाए हैं रफल्स के अंदर ही, एक ये और एक मैं अभी थोड़ा दिखाऊंगा। सब कस्टमाइजेशन अवेलेबल है, साइजेस में ले लीजिए इजीली, जो कलर्स आपको जो चाहिए वो करवा देंगे। ये थोड़ा टमाटो रेड होता है वो है ये, इसकी जो ट्रेल पैटर्न है काफ़ी अच्छी दी हुई है, काफ़ी हैवी है रफल्स, काफ़ी ज़्यादा हैवी है, कलर्स इसमें जो भी आपको चाहिए वो हम दे देंगे। टाइम कंज्यूमिंग है, अराउंड 70-80 मीटर्स की नेट लगी हुई है इसके अंदर, तो टाइम पीरियड लेकर चलना कुछ भी अगर एड ऑन करवाना है। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन देख लेते हैं, आप अगर कलर्स देखेंगे तो इसमें मैंने सारे थोड़े डिफरेंट टाइप के थोड़े कलर्स यूज़ करें जिससे कि यूनिकनेस थोड़ा आ सके। अगर पार्टी वियर है या फिर वेडिंग सीजन के अकॉर्डिंग जो कलर्स देख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द वेडिंग जो है इवनिंग्स में होती हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग थोड़े कलर्स जो हैं काफ़ी अच्छे रखे हुए हैं। और ये भी ड्रेपिंग स्टाइल के अंदर ही है, ऑर्गेन्जा के अंदर बना हुआ है सारा ये। ऑर्गेन्जा मैं इसलिए थोड़ा यूज़ कर रहा हूँ ज़्यादातर क्योंकि इसमें लाइट वेट लगता है, ठीक है, इतना हैवीनेस नहीं लगता है और कस्टमर को भी ज़्यादा इजी टू कैरी है, देखेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द कस्टमर कहते हैं हम नेट से बोर हो गए कुछ यूनिक चाहिए, तो उसके लिए मैं थोड़ा ये अलग अलग फैब्रिक्स यूज़ करना चालू करें। और इसकी बेल्ट जो है सेपरेट है, जो कि अलग से आप उसको अटैच कर सकते हैं लाइक ड्रेपिंग के साथ। ड्रेप कॉन्सेप्ट समझाएंगे, ड्रेप ये अलग से रफल्स दी हुई है इसके साथ, ड्रेप के साथ ही अलग से रफल है और ये पूरा बैक तक है। इसकी बैक अगर आपको दिखाता हूँ, बैक से ली गई है, काफ़ी सुंदर है, इसकी बैक है, चोली की बैक भी देख सकते हैं आप। और ये बेल्ट है ये अलग से दी हुई है जो कि इसकी ग्रेस को इन्हेंस करता है। ट्यूब शेप में इसकी चोली बनी हुई है, आप देख सकते हैं इसका वर्क जो है सारा का सारा मल्टी सिक्वेंस है जी। और इसकी शेप देखिए, सारी की सारी हैंडवर्क की जितनी भी है सारी शेप जो है एकदम मछली की तरह जो उसके ऊपर होता है उस टाइप से दी हुई है, जिससे कि इसकी ग्रेस जो है काफ़ी अच्छी आती है। स्टेप है, अगर आपको प्रॉपर चोली चाहिए नेक के साथ तो वो भी हम कर देंगे इसको, बट एक डिज़ाइन है ये, आप इसको देख सकते हैं। आपको बस पैटर्न पसंद करना है, कस्टमाइज आपको कुछ भी कराना है वो हम कर देंगे, साइजेस कलर्स, साइजेस कलर्स कुछ भी है, एम्ब्रॉयडरी वर्क, नेक चेंज वगैरह कराना है, अगर आपको वर्क बनवाना पड़ेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, अगर आप वर्क एक्स्ट्रा लोगे तो आपको उसका एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये इकोनॉमिक रेंज के अंदर ही है, तो देख सकते हैं इसकी बैक भी और फ्रंट भी काफ़ी अच्छा है, यूनिक है, कोई डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट के अंदर। तो फ्रेंड्स ये पेपलम स्कर्ट की काफ़ी रिक्वायरमेंट आ रही थी, कुछ इंडो वेस्टर्न पेपलम पैटर्न के अंदर बनाया हुआ है, इनको लगता है कि थोड़ा टमी वगैरह का थोड़ा ना जो कवर करन करन तो कवर उसके अकॉर्डिंग बना हुआ है। चिनॉन फैब्रिक के अंदर सॉफ्टनेस है, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा प्योर फील कराता है ये काफ़ी। और इसका वर्क देख लिए, काफ़ी सटल और काफ़ी यूनिक है, कोई इतना ताम झाम या चमचम टाइप जो कहते हैं उस टाइप का नहीं है, सारा डिज़ाइनर उसको लेकर
माइंड में रखकर बनाया गया ट्री है। पैटर्न में थोड़ा गौर और कर कर ये देखना। कहते हैं कि चुभेगा नहीं क्योंकि डबल फैब नेट लगा हुआ है, टू तो लेयर काफ़ी इजी है। और इसका बैक भी काफ़ी ठीक है, इसका अगर आप बैक देखेंगे तो बैक पे भी काफ़ी सुंदर बनाया हुआ, बूटी कॉन्सेप्ट दिया, वेस्ट पर सारा ये वर्क है, वेस्ट पर सारा वर्क है, फ्रंट एंड बैक के साइड। और नीचे आप देख सकते हैं ऑर्गेन्जा की स्कर्ट दी हुई है, ऑर्गेन्जा और चिनोन yes. का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आजकल थोड़ा ट्रेंडिंग में नेट को और उसको सबको हमने फैब्रिक्स में लिया है, जितने भी मोस्ट ऑफ द फैब्रिक हम यूज़ कर सकते हैं सबको मैंने यूज़ किया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा यूनिक। मेन बात है जो आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं, ट्रेंड के अंदर चल, जितना भी आप डिज़ाइनर पैटर्न अगर आप देखेंगे तो वो इन्हीं सारी चीज़ों में ज़्यादातर बनते हैं। हाँ, जो अवेयर हैं, जो यस, सोशल मीडिया एलिगेंट में पीस चाहिए या कुछ भी चाहिए, डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, आप देख सकते हैं इसका वर्क काफ़ी डिफरेंट है, जितना भी है ये नहीं है नॉर्मल है, रैम्बो सिल्वर भी लगा लेकिन वो रैम्बो लगा हुआ, शाइनिंग अच्छी है इसकी, कलर कुछ भी चेंज नहीं होगा इसके अंदर। तो फ्रेंड्स ये डिज़ाइन देख लेते हैं, देख सकते हैं आप, मैंने काफ़ी सिंपल पैटर्न के अंदर दिया बोट है, ने स्लिम फिट है ये एक्चुअली, बहुत कैन कैन इसके अंदर लाइट लगी हुई है, इससे बाउंसी नहीं है, बहुत ही लाइट वेट है। ठीक है, इसका वर्क जो है पैच वर्क दिया हुआ है, ये भी हैंड है बट एक्चुअली हैंड वर्क है सारा ये, और ये फ्रंट हैवी किया हुआ है, इसका ऑफ शोल्डर पैटर्न दिया हुआ है, टोन टू टोन वर्क है सारा का सारा, और जितना भी इसमें मटेरियल लगा हुआ है ओपेक या जर्कन शेड्स जो भी है सब डिफरेंट है, कोई भी ख़राब होने वाला मटेरियल नहीं है इसके अंदर। बैक भी इसकी काफ़ी सुंदर है, अच्छा बैक में भी ये देखेंगे, बैक पे भी वर्क दिया, ट्रांसपेरेंट है, अगर इसको आपको कवर कराना है तो हम वो भी करा सकते हैं, और बैक पर भी वेस्ट पर इस पर काम दिया हुआ है देख सकते हैं, जिससे कि थोड़ा हैवी लुक आता है, आप कहीं नॉर्मली पार्टी वियर है या किसी के अंदर इजली इसको वियर कर सकते हैं, इंगेजमेंट पर्पज के अकॉर्डिंग ही बहुत ही अच्छा लुक है। आपको स्लीव्स वगैरह ऐड करनी है, नेक चेंज करना है वो हम कर देंगे, आपको बस सिर्फ पैटर्न पसंद करना है, कलर कस्टमाइज जो भी कराना है, साइजेस जो भी हैं सब हो जाएगा, तो पॉसिबल हो जाएगा। कुछ वर्क वगैरह अगर पैटर्न थोड़ा चेंज कराना कुछ भी कराना है, बट एक्चुअली क्या है कि जो हम दिखा रहे हैं, मैंने आपको कुछ भी अगर आप प्राइस पूछते हैं मैं प्राइस डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि हमारे साथ काफ़ी रीसेलर भी होते हैं सही में, जो बुटीक वाले हैं जो दोबारा जो माल ले बेचते हैं लेकर, आप स्क्रीन शॉट भेज दें उसको आपको रिस्पॉन्स दे दूंगा जी, जो भी एडिशन आप एड ऑन करवाएंगे उस हिसाब से कॉस्ट लगेगी और टाइम पीरियड भी लगेगा लेकर चलना। फ्रेंड्स ये डिज़ाइन देख लेते हैं, बॉटल ग्रीन कलर के अंदर बना हुआ है, आपको पता ही है मेरा हिट डिज़ाइन है एक, ये जो लास्ट वाला दिखाया था, ये मोस्टली कोशिश करता हूँ हर वीडियो में दिखाने की, काफ़ी आपको वर्क वगैरह आपको सबको पसंद आया और इसको बहुत ज़्यादा ही रिस्पांस देते हैं इस डिज़ाइन को, देख सकते हैं इसका जो शोल्डर पर वायर कॉन्सेप्ट दिया है, वर्क भी काफ़ी अच्छा है, लोडिंग के साथ ही सारा सिक्वेंस और ये सारा थ्रेड वर्क दिया हुआ है, सिक्वेंस कटदाना सारा लगा है, बीट्स लगे हुए हैं सारे के सारे ये, और इसकी जो बस्ट पे जो आप देख सकते हैं जो ये सारा का सारा पिंटेक्स का वो दिया जी, हुआ है, पिंटेक्स वर्क देखेंगे जो प्लेटिंग सारी, जो कि इजी नहीं होता नेट के साथ, फिर टकाई करनी पड़ती है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेयर्स काफ़ी अच्छी हैं इसकी, डिफरेंट लेयर दी हुई है, तीन लेयर्स के अंदर बना हुआ है, तो ये आपको सिंपल लुकिंग भी दे देता है नीचे से बॉटम के साथ, और अगर आपको थोड़ा बाउंसी लुक चाहिए तो वो भी इसके अंदर हो जाएगा जी। इसका बैक भी अच्छा है, बैक भी देख सकते हैं काफ़ी हॉट के डिज़ाइन में से एक है, देखेंगे वर्क भी दिया हुआ है बैक पर, जिससे कि आपकी बैक की भी ग्रेस जो है बढ़ाता है, कलर इसमें कोई भी बन जाएगा, लाइट डार्क आपको कुछ भी चाहिए वो सब प्रोवाइड करा देंगे, स्लीव चाहिए कवर करना है सब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन देख लेते हैं, ये मेरा सबसे ज़्यादा हिट डिज़ाइन है, देख सकते हैं मैं काफ़ी टाइम से इसका डिज़ाइन कर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा यूनिक, काफ़ी हैवी नेज है इसके अंदर, अब इसको ब्राइडल के अंदर आप रख सकते हैं, सारा का सारा वायर स्टिचिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम इसको कंज्यूमिंग, इसके अंदर प्लास्टिक डली होती है वायर की, उसके अकॉर्डिंग बना होता है ये वर्क, सारा काफ़ी ज़्यादा यूनिक वर्क है आप देख सकते हैं, शेडो जर्कन है जो कि कभी ख़राब नहीं होता ये, इसका वर्क काफ़ी यूनिक है, वेस्ट पे दिया है कॉर्सेट वायर की वो लगी हुई है ट्रांजी है, ये कॉर्सेट वायर है जिससे कि इसका लुक काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होता है, अब वर्क देखिए काफ़ी ज़्यादा दबका भी लगा हुआ है, सारा जर्कन है सारी चीज़ें हैं, इसका बैक भी काफ़ी सुंदर है, अब इसका बैक देखेंगे तो बैक भी इस पर वायर आता है काफ़ी स्टाइलिश है, देखेंगे स्टाइलिश है बैक इसकी, रफल पैटर्न के अंदर है, ऑलमोस्ट 70 मीटर के अराउंड इसमें नेट लगी हुई जिससे काफ़ी ज़्यादा ये हैवी है, बहुत ही हैवी है ये, और बाउंसी लुक के अंदर जब वियर करने का तो ये और ज़्यादा हैवीनेस आ जाता है, बॉल लुक के अंदर आ जाता है ये,
अगर इसमें कलर्स भी आप कहेंगे तो लाइट शेड हमने काफ़ी सारे बनाए हैं इसके अंदर, फोटो प्रोवाइड करा देंगे आपको। लुक काफ़ी अच्छा है, भाभी लुक आता है अगर आप देखेंगे इसको तो, काफ़ी सुंदर लगता है। साइजेस हो जाएंगे सारे, कलर्स वगैरह ऐड करनी है वो भी हम कर देंगे, बट इसकी जो लुक है शोल्डर पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। ब्राइडल वेयर के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसका रफल्स काफ़ी है, रफल्स काफ़ी, इसको रफल्स पैटर्न है तो ये उनके लिए तोहफा है मेरी तरफ से। तो फ्रेंड्स ये डिज़ाइन देख लेते हैं, रफल पैटर्न्स के अंदर है, मल्टी रफल्स हैं। ये थोड़ा एक्चुअली प्री वेडिंग शूट हो गया या एंगेजमेंट पर्पज़ के अकॉर्डिंग है आपको चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग उसको माइंड में रख के बनाया हुआ है। इसकी बेल्ट भी है अलग से, आप बेल्ट भी देख दिखाता हूँ आपको, जो सेपरेट है। इसकी बैक काफ़ी सुंदर है, सारे देखेंगे। ये कोई रीजनेबल इकोनॉमिक रेंज के अंदर है, ये हैवी रेंज नहीं है। और इसके अंदर आप शेड्स, आप जो भी हम काफ़ी सारे शेड्स बनाते हैं इसमें से वाइन हो गया, देखेंगे सारा टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है सारा। एक एक फ्रिल्स लगा कर इसको फिर अटैच की हुई है जिससे ये आपको और बाउंस चाहिए तो बाउंस हो जाएगा। अगर आपको इसके अंदर स्लीव्स पैटर्न ऐड करना है तो हम वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसकी सेपरेट बेल्ट भी है इधर, अगर बेल्ट देना वहाँ से, इसकी सेपरेट बेल्ट है वो भी दिखा देते हैं, दिखाता हूँ अभी ये देख सकते हैं। ये बेल्ट है इसकी, ये सेपरेट जो कि इसकी लुक, अच्छा काफी लुक एनहांस करती है, कर देखेंगे ये आपकी बेल्ट है तो इससे इसका लुक काफ़ी ज़्यादा यूनिक हो जाता है। ये सेपरेट है, इसका प्री वेडिंग शूट है या एंगेजमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं। कलर सारे इसके अंदर मिल जाएंगे और साइजेस भी सभी हो जाएंगे। हमारा शेड कार्ड है, आपको शेड कार्ड दिखा दूंगा मैं, आपको जो कलर चाहिए उसके अंदर वो हम इसको प्रोवाइड कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये डिज़ाइन देख लेते हैं, ब्राउन्स पैटर्न के अंदर है ये, रफल मल्टी शेड के अंदर है, प्योर जॉर्जेट के अंदर बना हुआ है, फील बहुत ही अच्छा है प्योर जॉर्जेट में। ये तीन कलर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, लाइट डार्क एंड डार्क। स्लीव्स का भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है पैटर्न, आप देख सकते हैं डबल शेड के अंदर है और वर्क इसका काफ़ी ज़्यादा यूनिक और बारीक है, आप देख सकते हैं। स्लीव्स भी काफ़ी सुंदर है इसकी वर्क के साथ। और ये इसका ड्रेप दिया हुआ है बैक से, ड्रेप काफ़ी जो इसको लुक को इनहेंस कर रहा है। घुमा कर भी दिखाएंगे, देख सकते हैं इसकी बैक, देखिए बैक भी काफ़ी डीप अच्छी है, बैक काफ़ी अच्छी है, पूरा वर्क है फ्रंट एंड बैक। ये ट्रांसपेरेंट दिया हुआ है, अगर आपको कवर कराना है तो ये कवर भी हो जाएगा, देख सकते हैं। फील काफ़ी अच्छा आता है, जो लोग कहते हैं हमें ज़्यादा हैवी में नहीं चाहिए, हमें लाइट वेट के अंदर चाहिए, बट डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट के अंदर है, लाइट वेट बनाया हुआ है, काफ़ी सॉफ्ट जॉर्जेट के अंदर है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, हैवी वर्क है अपर पार्ट पे जिससे कि इसकी ग्रेस इन्हेंस हो जाती है। साइजेस सारी चीज़ें कस्टमाइज हैं, बस टाइम पीरियड लेकर चलना, टाइम पीरियड लेकर चलें। वर्क काफ़ी यूनिक, काफ़ी बारीक वर्क है और आप देख एक्वा ब्लू के अंदर है। ये शेड्स अगर आपको सिंगल शेड में चाहिए तो सिंगल शेड में भी हम प्रोवाइड करा देंगे इसको, अदरवाइज आप जैसे सपोज रेड कलर लेते हो तो लाइट रेड आ गया, उससे डार्क आ गया, उससे डार्क आ गया, ये तीन शेड का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। आपको सिंगल शेड के अंदर चाहिए तो सिंगल शेड में भी हम प्रोवाइड करा देंगे इसको। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन देख लेते हैं, अंदर डस्टी एन एंड शेड के अंदर बना हुआ है, कलर आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। इसका वर्क काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और काफ़ी बारीक काम किया हुआ है, स्ट्रैप पैटर्न में लाया है, वन साइड स्ट्रैप है। इधर आपको फ्लावर्स चाहिए, रफल्स पैटर्न चाहिए स्लीव्स का तो वो भी ऐड हो जाएगा। अब बाकी वर्क देख सकते हैं, काफ़ी सीक्वेंस और बारीक काम किया हुआ है, सारा हैंड वर्क है, हमारी स्पेशलिटी सारी की सारी हैंड वर्क के अंदर है आपको। बट आप देख सकते हैं गहरे पर भी वर्क दिया, जिसको नीचे कहते हैं भरा हुआ काम चाहिए, हमें नीचे भी काम चाहिए तो उसके अकॉर्डिंगली हमने नीचे काम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं सारा हैंड वर्क है सारा नीचे तक। और ये वन साइड आपको वेस्ट पे दिया हुआ कमर के पास, इससे काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है इसका। बैक साइड भी सेम है, बैक भी काफ़ी सुंदर ट्रांसपेरेंट है सारा ये बैक से, अगर कवर कराना है तो कवर भी हो जाएगा आपको। नीचे घेरे पर भी पूरा वर्क दिया हुआ है घेरे पर, तो ओवरऑल आपका फ्रंट और बैक दोनों भरा हुआ है। ये हैवी के अकॉर्डिंग अगर आप देख सकते हैं, एंगेजमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपको चाहिए तो वो भी हो जाएगा। इसमें स्लीव्स वगैरह कुछ भी ऐड करानी है वो हम इसको साइजेस और कलर टोन भी अगर चाहिए एग्जैक्टली हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये डिज़ाइन देख लेते हैं,
बॉल लुक पैटर्न के अंदर है, पिंक शेड दिया हुआ है, काफ़ी यूनिक पिंक है, नॉर्मल पिंक नहीं है, बेबी पिंक लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं इसका वर्क काफ़ी यूनिक है, देखिए डिज़ाइनिंग पैटर्न जो स्केचिंग की हुई है इसकी वर्क की काफ़ी डिफरेंट लेवल का है। अब इसका बस्ट पार्ट देख सकते हैं, ट्रांजी है इतना यहाँ पर, और इसका वेस्ट से नीचे भी आ रहा है, थाई तक आ रहा है थोड़ा वर्क इसका। लुक इसकी काफ़ी इन्हेंस होती है बॉल लुक पैटर्न के अंदर, जिनको सिंपल सोवर बॉल लुक चाहिए, नीचे ग्लिटर की टचिंग दी हुई है। अब देख सकते हैं इस पर शाइनिंग आ रही है प्रॉपर पूरे उस पर, और इसकी खासियत इसकी बैक भी है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर बनी हुई है बैक, आप देख सकते हैं इसको डीप वगैरह चाहिए इसका वर्क, और ये बैक पूरी बहुत सुंदर है इसकी। बॉल लुक पैटर्न के अंदर कलर्स कुछ भी बन जाएंगे, इसके अंदर स्लीव्स ऐड करनी है स्लीव्स ऐड हो जाएगी, प्लेन स्लीव्स चाहिए कोई चार्जेस नहीं है, वर्क की स्लीव्स लगेगी तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। आप फ्रेंच डिज़ाइन देख लेते हैं, ये भी ड्रेपिंग के साथ ही है, आप देख सकते हैं इसका डिफरेंट लुक दिया हुआ है थोड़ा पीछे से, अच्छा इसके अंदर पैटर्न भी इसका डिफरेंट है, लेयर आ रही है जो पैनल आ रहा है, और ये टिश्यू के अंदर बना हुआ है, टिश्यू ऑर्गेंजा है ये जी, इसमें टिश्यू ऑर्गेंजा फैब्रिक भी होते हैं। अब कलर कस्टमाइज आप इसमें भी करवा सकते हैं, इसके साथ ही चिनॉन का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है जी सर, ड्रेपिंग इसकी बहुत सुंदर है, प्लेटिंग के साथ है, आप ये स्टाइल भी देख सकते हैं इधर के साथ, काफ़ी अच्छा दिया हुआ है ड्रेपिंग पैटर्न में, बेल्ट ऊपर दिया हुआ है, ये जितना भी आपको दिख रहा है ये सारा का सारा स्टोन है, एक्चुअली ये स्टोन है, ये स्टोन दिया हुआ है सारा, ये सारा स्टोन है, और ये मशीन और हैंड वर्क की टचिंग है। अब इसकी चोली देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा यूनिक और डिफरेंट पैटर्न के अंदर बनी हुई है ये, शोल्डर पे भी दिया हुआ है, और सारा मशीन और हैंड वर्क का टचिंग है इसके अंदर, मल्टी कलर्स के अंदर दिया हुआ है सारा का सारा इसका। नेक आपको चेंज कराना है वो भी हो जाएगा, बट हमने अपनी तरफ से बेस्ट किया हुआ है, शोल्डर ये स्लीव्स का वो दिया हुआ है शोल्डर पर, इसमें भी टसल शोल्डर, इसकी बैक भी काफ़ी अच्छी है, बैक पे ये बूटियाँ दी हुई हैं, बैक जिपर है ये, साइड जिप भी है इसमें, और कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। जो भी ग्रेस इसकी चोली की है आप देखिए, इसकी ड्रेपिंग भी है वो भी डिफरेंट दी हुई है, अल्टीमेट पीस है ये, डिफरेंट बनाया हुआ है, और इसकी बेल्ट भी आप देख सकते हैं अलग से दी हुई है, डिफरेंट से बेल्ट में था हम देखेंगे, ये बेल्ट भी सेपरेट है अलग से दी हुई है, जिससे कि इसकी जो वियर करने है इसका लुक जो है काफ़ी यूनिक आ जाता है। ब्लाउज पैटर्न समझाने की कोशिश करेंगे, बनाएंगे ब्लाउज देख सकते हैं आप, डिफरेंट पैटर्न है इसका चोली का, नीचे से इसकी शेप दी हुई है अलग से कटवर्क पैटर्न के अंदर, ये पूरा स्टिच जब करते हैं प्रॉपर अलग शेप के अंदर है, ये डिफरेंट है ये, आप देख सकते हैं सारा कलर जो इसके अंदर है, सिक्वेंस और थ्रेड का हिसाब से इसके अंदर रोम जितना कंज्यूमिंग वर्क यस यस सारा जो भी जिसको आप कहते हैं चुनने का वर्क होता है, जो वन बाय वन लगाया जाता है इसके अंदर, और जितने देख सकते हैं आप ये हैंड वर्क का छल्ला बनाया हुआ है ये सिक्वेंस के साथ, सारा का सारा टाइम कंज्यूमिंग वर्क है। शोल्डर पे ये दिया हुआ है इसका, स्लीव्स का पैटर्न ऐड किया हुआ है, इस पर भी टसल्स लगी हुई है, ये स्टोन है, ये स्टोन होता है मल्टी कलर्स के अंदर, बैग भी दिखाएंगे किस तरह कॉन्सेप्ट जा रहा है, ये बैग जिपर के अंदर बनाया हुआ है, इस पर बूटियां डाली हुई हैं फ्लावर्स की, कुछ भी कस्टमाइज करवाना चाहें और हैवी करवाना चाहें, हैवी करो इसको, हैवी करना हैवी हो जाएगा, कवर कराना है कवर हो जाएगा, और कंट्रास्ट अगर थोड़ा चेंज करवाना हो, चेंज कराना है या टोन टू टोन रखना है तो वो भी हो जाएगा, साइजेस भी सभी हो जाएंगे, इसकी जरी के साथ कॉम्बिनेशन करके इसका नीचे का पैटर्न दिया हुआ है, साइजेस भी हो जाएंगे, साइज आप कस्टमाइज करा सकते हैं, 40 साइज तक कोई चार्जेस नहीं है, 40-42 तक, उसके ऊपर अगर आपको जाता है 46-48 तो आपको उसका एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ेगा, बिकॉज इसका जो साइज है साइज बढ़ेगा तो उस पर हैंडवर्क भी बढ़ेगा जी, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स कुछ और डिजाइन लाए हैं देखेंगे ड्रेप में, ये भी ड्रेप के अंदर फालसा कलर के अंदर बना हुआ, ये जॉर्जेट पैटर्न है, प्लेटिंग का आप लुक देख सकते हैं जो प्रॉपर डिजाइनर होगा, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा फील बहुत अच्छा आएगा। अब देखिए बेल्ट भी अच्छी है इसकी, काफ़ी फिनिशिंग के साथ है, इसका वर्क देखिए आप, जरदोजी है पूरा का पूरा वर्क इसका, देखेंगे हैंड वर्क, हमारी खासियत ही यही है कि हम हैंड वर्क ही देते हैं मोस्टली, आप देख सकते हैं सारा जरदोजी है,
फुल स्लीव्स के साथ है। देखेंगे काम किसने बारीकी करा है, बिल्कुल इसी के ही देखते हैं। काफ़ी जो रिक्वायरमेंट रहती है कुछ प्योर हैंडवर्क में दिखाई हो जाएगा। बैक भी स्टाइलिश, डीप नेक के साथ है। जो की होल दिया हुआ काफी सुंदर है। कुछ भी कस्टमाइजेशन करवाना हो टाइम पीरियड लेकर चलना हो जाएगा। ये सब कवर कुछ भी करवाना है तो कवर भी हो जाएगा आपका, बट हमने अपनी तरफ से ये आपको डिजाइनिंग कुछ आपको डिफरेंट भी करानी है वो भी हो जाएगा। चोली का पैटर्न आपको जैसा समझ में आ रहा है वो भेज दो, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। इसमें बैंड का वर्क चाहिए, और आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं हैवी चोली और प्लेन स्कर्ट का। यस यस, वही बना हुआ, उसी को माइंड में रखते हुए। ड्रेपिंग क्या होती है, एक्चुअली ड्रेपिंग का ट्रेंड बहुत अच्छा है इस टाइम पर। कुछ और हैवी कराना हो वर्क वो भी हो जाएगा। एग्जैक्टली, आपको जैसे इस पे चाहिए सिंगल लाइन चाहिए तो वो भी हम कर देंगे उस पे सिंगल लाइन पे जी। अगर बट जो भी ड्रेप में हैंड वर्क चाहिए करवाएंगे उसको आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा जी। उसके हिसाब से क्लियरली बता रहा हूँ, कई बार कस्टमर के साथ आर्गुमेंट्स होता है इन्हीं चीजों के, आपने वो रेट बताया हम एक्स्ट्रा करा रहे हैं, चार्जेस नहीं है। जिस तो जो भी आप भी चीजें ऐड ऑन कराएंगे उसके थोड़े एडिशनल पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो आपको एक नॉर्मल डिजाइन दिखा दिया। अब आपको बेल्ट पे वर्क चाहिए, जेस पे वर्क चाहिए, क्योंकि हैंड वर्क है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है और टाइम पीरियड भी लेकर चलना। कलर में भी बन जाएगा, साइज जो चाहे आपको जो चाहिए वो हम प्रोवाइड कर देंगे। सारा डाइवल होता है हमारा, क्योंकि हम प्योर ही यूज करते हैं, आप देख सकते हैं सारा फैब्रिक। अगर दिखाना है सारा वाइट ही होता है हमारे पास। अच्छा, इस पे डाई होती है, डाई सारा करके आप दिखा सकते हैं, देखेंगे। तो फ्रेंड्स कुछ बॉल गाउंस कस्टमर की रिक्वायरमेंट आ रही थी बोट नेक में। बॉल गाउंस के अंदर आप पहले तो इसका लुक देखिए, प्रॉपर बॉल लुक है। बैग भी काफी सुंदर है। अच्छा, इसमें कुछ इनोवेशन करी है, इसमें कैंस के हटाकर रिंग जो आजकल ट्रेंड में चल रही है, ये रिंग डाली हुई है इसके अंदर, आप देख सकते हैं ये रिंग का यूज किया हुआ है। इजीली इससे डॉम लुक काफी अच्छा आता है। सेम बोट नेक में, और ये बोट शेप ऑफ शोल्डर के अंदर वर्क सारा सेटल किया हुआ है। ज्यादा चमचम वाला काम करते नहीं है, एक्चुअली टोन टू टोन है वर्क इसका, आप देखिए सारा। और ये फैब्रिक भी काफी इम्पोर्टेंट है, आप फैब्रिक देखेंगे ये इम्पोर्टेंट फैब्रिक है। फील करेंगे पता लगेगा, और हैवीनेस है काफी वर्क है। ये लेयर्स पे सारा वर्क किया हुआ है, बैक काफी सुंदर है, दिखाइए आपको नोट्स के साथ है। ये इजीली कंफर्टेबल होता है इससे, बैक जो है इसकी ये इजीली कंफर्टेबल है। साइज आप इसका कर सकते हैं, पूरे बैक पर भी वर्क है, फ्रंट एंड बैक बोथ साइड वर्क। कलर्स भी चाहे साइजेस हो जाएंगे इसके अंदर मिल जाएंगे, लेकिन सिलेक्टेड कलर होते हैं इसके अंदर। अच्छा, 20 से 25 ही कलर होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं सारे यूनिक होते हैं। आपको हाँ, बता दिया जाएगा, कलर चार्ट आपको भेज दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं कौन सी डाई बन सकती है। हाँ जी, किस कलर डाई पे आपको एग्जैक्टली, और अगर थोड़ा वर्क वगैरह करवाना हो तो वो भी अवेलेबल। अगर आपको एक्स्ट्रा कराना है तो आप वो भी करा सकते हैं, जैसे कि हमने तो एक ये पैटर्न के अकॉर्डिंग लिया। अगर आपको नीचे तक वर्क चाहिए तो हो जाएगा, बट आपको उसका एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना होगा। टाइम पीरियड भी आप लेकर चलना, जो भी आपको पड़ेगा, क्योंकि ये काफी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। जो भी आपको एड ऑन कराना है, कुछ भी कस्टमाइज करवाना है तो उस हिसाब से टाइम पीरियड लेकर चलना। जैसे बुटिक्स वाले हैं या फिर शॉपकीपर है वो भी हमसे जुड़े हुए हैं, जो रीसेलर है, क्योंकि टाइम पीरियड लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग हम ट्रेडिंग नहीं करते हैं। ऑर्डर आता है, मैन्युफैक्चर होता है, फिर देन सप्लाई होती है जी, थोड़ा टाइम लगता ही है बनाने में इसलिए। तो फ्रेंड्स ये डिजाइन देख लेते हैं, बताइए लेजर पैटर्न के अंदर है। आप सबसे पहले देखिए कि इसका लेजर जितना भी सारा स्टिच है, फैब्रिक नहीं है, स्टिच पैटर्न के अंदर किया हुआ है। आप देखिए इसको वन बाय वन सारा स्टिच किया हुआ है, आप देख भी रहे होंगे स्टिचिंग का, पिनिंग का सारा स्टिच किया हुआ है, सारा सेट किया हुआ है। बहुत ज़्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग है। आप देखिए एक एक जितना भी ये बनाया हुआ है, हाथ से ही बनाया हुआ है स्टिच करके मशीन के थ्रू। और ये वन साइज शोल्डर पे भी दिया हुआ है, ये देखिए सारा कट ग्लासेस का काम है, और इस तरीके से। और इसकी चोली काफ़ी हैवी की हुई है, ये सेपरेट है, ये सेपरेट दिया हुआ है अलग से, जिससे कि ये इसका लुक थोड़ा डिफरेंट कर सके। वर्क देखिए इसका सारा का सारा कटदाना सीक्वेंस, बहुत काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग वर्क के साथ एक एक चीज़ को खाके के हिसाब से सेट किया हुआ है। कस्टमर का रेडी साइज है, थोड़ा बड़ा साइज है एक्चुअली, कस्टमाइजेशन सभी अवेलेबल। अगर आपको भी साइजेस बड़े चाहिए, कस्टमर ने ये रैम्बो शेड यूज करवाया था,
ऑर्गेन्जा है नीचे फैब्रिक, उसके ऊपर ये रेमबो की लेजर लगवाइए, तो आप कुछ भी आप सेटल कलर की भी लगवा सकते हैं, चेंजेस करना चाहें तो अवेलेबल है, सिंगल कलर भी लगता है वो भी लगवा सकते हैं। बैक भी दिखा देते हैं, बैक लुक भी इसकी काफी देखेंगे, बैक पे ही पूरा वर्क है, थोड़ा बड़ा साइज है, फिनिशिंग पूरा फुल देखना पता भरा लगेगा, सारा का सारा हैंड वर्क है, ये नहीं है कोई भी के इजीली कोई भी इसको बना सके। सही में तो फ्रेंड्स ये डिजाइन देख लेते हैं, कैप पैटर्न के अंदर ये जो डिजाइनर कॉन्सेप्ट है जो ज्यादातर डिजाइनर लोग फॉलो करते हैं, ये देख सकते हैं प्रॉपर कैप ये सेपरेट अलग से आप इसको वियर कर सकते हो, ऑर्गेंजा में ऑर्गेंजा पैटर्न के अंदर, फैब्रिक प्योर में ऑर्गेंजा के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक में प्ले कर रहे, देखेंगे ये सारा बॉर्डर दिया है उसके फ्रेंड्स के साथ, फिनिशिंग देखेंगे सारा माइक्रो बीट्स पे, सारा हैंड वर्क दिया हुआ है, और ये पल्स आप देख सकते हैं काफी पैटर्न वाइज भी आप देखिए, और ये नीचे फैब्रिक चिनॉन यूज किया हुआ है जिससे कि बहुत ही इजीली सॉफ्ट और पता नहीं लगता एक्चुअली, सही में हैवीनेस नहीं आती है ज्यादा, प्लेटिंग सारी है वो भी देखेंगे, प्लेटिंग काफ़ी अच्छी है, और इसका बैक भी आप देख सकते हैं, बैक की साइड तरह से कवर है, थ्री लेयर में रफ देखेंगे लेयर से बॉटम में इसके कैप्स के, और बेल्ट पे भी वर्क दिया हुआ है, फ्लैट है, अगर आपको डिजाइनर अगर आपको कुछ भी चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हैं, कस्टमाइज भी करवा सकते हैं, अगर आपको स्कर्ट में अगर थोड़ा काम चाहिए अपने हिसाब से वर्क एम्ब्रॉयडरी चेंज करनी हो तो वो भी अवेलेबल है, कवर करना है या कैप नहीं चाहिए आपको, स्लीव्स चाहिए वो भी हो जाएगा इसमें, सब चीजें हो जाएंगी, कलर्स भी बन जाएंगे अपने हिसाब से, अगर डार्क चार्ट चाहिए, आजकल कस्टमर जो है ज्यादा डिजाइनर मांगता है तो उसको माइंड में रखते हुए कुछ हमने नया डिजाइनर पैटर्न यूज करें, ऐसे अगर अपने हिसाब से आपको कलर चाहिए सब टाइम पीरियड लेकर चलना, साइजेस लेके चलें बस हो जाएगा, और इस बार थोड़ा डिफरेंट फैब्रिक भी यूज करें, हमने प्रॉपर नेट में नहीं बनाया है, ऑर्गेन्जा चिनॉन जॉर्जेट जो पॉसिबल हो सका, जो मोस्टली डिजाइनर यूज करते हैं ड्रेसेस के अंदर, वो हमने सारे फैब्रिक्स यूज करे जो आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं, तो फ्रेंड्स कुछ क्रॉप टॉप लहंगे रिक्वायरमेंट आ रही थी लहंगों की माइक्रो वेलवेट में, देख सकते कस्टमाइज लाए हैं, मैरून डार्क मैरून डीप मैरून के अंदर बना हुआ है, देखेंगे क्वालिटी देखना फिनिशिंग देखना, बॉटम काफी हैवी है, जरदोजी टचिंग है पूरा, जरकन का टच भी दिया हुआ है इसके अंदर, देखें कट ग्लासेस जो यूज किए, छल्ले बने होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होता है, नॉट ए इजी वर्क, अच्छा ही सकते हैं, सारा प्योर हैंड है, सारा टाइम लगता है, देखेंगे फिनिशिंग देखेंगे सब टाइम कंज्यूमिंग वर्क, कैंपिंग के अंदर है नीचे बॉर्डर कलियों में बना है, कलियों के अंदर है ये, और चोली काफी सुंदर है इसकी, देखेंगे हाफ स्लीव्स है, सारे कस्टमाइज लहंगे हैं, अगर आपको कुछ वर्क अपने हिसाब से कराना हो तो वो भी अवेलेबल है, बैग भी काफी सुंदर है, देख सकते हैं बैग काफी अच्छी है, भरा हुआ है पूरा बैग पर भी काम, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप जैसा मर्जी आप करवाना चाहते हैं कस्टमाइज बाय पिक अपने हिसाब से डिजाइन, अगर आपको सकते जो समझ आ रहा है वो भी आप बनवा सकते हैं, फोर साइड बॉर्डर है, देखें क्वालिटी देखें साइजेस और कलर्स, साइजेस आप कुछ भी करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है साइजेस का हमारे पास, बस टाइम पीरियड लेकर चलना जो भी आपको ऐड ऑन करना है, क्योंकि थोड़ा हैवी डिजाइनिंग होती है, ये नहीं है कोई भी, सारा हैंड वर्क है, हैंड वर्क है प्रॉपर, अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग हम करते नहीं है, कहीं से माल लेके हम सप्लाई करें, इसलिए पॉसिबल है कि आपको बनवा कर दे सकते हैं, ड्रेस जो भी आपको डिजाइन वगैरह चाहिए वो भी बन जाएगा, यस यस आपकी रिक्वायरमेंट में सब बनवा देंगे, कलर सारे अवेलेबल हमारे पास, जो आपको कलर चाहिए वो हम प्रोवाइड कर देंगे, कलर जैसे टाइप का चाहिए शेड कार्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको कलर हम भेज देंगे, उससे आप रिलेटेड जो भी कलर आपको चाहिए वो हम प्रोवाइड कर देंगे जी। तो फ्रेंड्स कुछ कस्टमाइज्ड अनारकलीज की रिक्वायरमेंट आ रही थी, वेलवेट में बनाइए लाए हैं कुछ माइक्रो वेलवेट पे बना हुआ है ये 9000 माइक्रो पर, देख सकते हैं प्योर फैब्रिक है, स्कैल्प एक्चुअली इम्पोर्टेंट फैब्रिक होता है, स्कैल्पिंग बॉर्डर के साथ है, और वर्क सारा जरदोजी टच दिया हुआ है, बारीकी है, कुछ यूनिक मटेरियल लगा हुआ है, ऐसे नहीं है कॉमन ही हमने यूज़ किया है, इसकी जितनी भी सिक्वेंस लगी हुई है ये डिफरेंट है, कटोरी शेप के अंदर है, दबका लगा हुआ है, आउटिंग दबके की है, थ्रेड वर्क भी दिया हुआ है, और नीचे का जाल जो बॉर्डर लगा हुआ है कली का काफ़ी सुंदर है, अनारकली पैटर्न के अंदर है ये, इसकी बेल्ट दी हुई है जो कि कस्टमर ऊपर से इसको ले सकता है, दुपट्टा भी देख सकते हैं आप,
देखिए दुपट्टे पर पूरा वर्क फिनिशिंग दिया है। देखेंगे, जो प्रीमियम लहंगों में यूज़ होता है देखेंगे, दबके का काम, जरदोजी वर्क, और देखेंगे क्वालिटी देखना, फिनिशिंग देखना। हमारी प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग है, आप दिखा भी सकते हैं, फैक्ट्री में देखेंगे। ही पूरा शूट हो रहा है। आप इसका अनारकली का पैटर्न देखिए, ये बेल्ट है और ये बॉर्डर भी दिया हुआ है साथ में। क्वालिटी देखेंगे पता लगेगा। नेक आपको अगर इसमें शेप चेंज करानी है तो वो भी हो जाएगी, कस्टमाइज्ड इवन वर्क भी अगर थोड़ा चेंज कराना है तो वो भी अवेलेबल है। बेस्ट क्वालिटी का सब कुछ दिया हुआ है। फैब्रिक स्लीव्स क्वालिटी आपको देखिए, जो सबसे प्रीमियम माइक्रो होता है उसमें दिया है। इसकी बैक भी सुन देखेंगे, एस वेल बैक पे भी पूरा वर्क दिया हुआ है। बेल्ट ये सेपरेट है, दुपट्टे के साथ आप देखिए, इसको अंदर ले डिटैचेबल सकते हैं। काफ़ी यूनिक पैटर्न के अंदर दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा घेरा है। कस्टमाइज्ड भी हो जाएगा, और कुछ आपको और कुछ करवाना है एड ऑन वो भी हो जाएगा। टसल्स वगैरह भी आपको साइजेस किसी लेने, में भी बन जाएंगे, कोई भी साइजेस हो जाएगा। एक नॉर्मल साइज होता है हमारा 40 साइज, उसके अंदर आप बनवाते हो तो कोई चार्जेस नहीं आता, बट ज़्यादा बड़ा साइज जाता है अराउंड 46-48 तो फिर उसका आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। कलर भी कलर कस्टमाइज कोई भी होंगे, बन जाएगा आपको इसमें, काफ़ी सारे कलर्स आते हैं। डिजाइनिंग अगर आप अपने हिसाब से, अगर हाँ, किसी बाय भी पिक इवन बाय किसी भी फोटो डिज़ाइनर का आपको भी चाहिए तो वो भी जी बता सकते हैं आप, उसका भी हम सेम बना के दे देंगे बाय आपको। फोटो भी हो जाएगा, यस यस यस, वर्ल्ड वाइड है वर्ल्ड वाइड है, डिलीवरी। कोई इशू नहीं, तो थोड़ा टाइम लेकर चलना अगर आपको टाइम थोड़ी लेकर चलना, कस्टमाइजेशन क्योंकि करानी है। पिछली बार लास्ट टाइम क्या हुआ, मेरी फैक्ट्री शिफ्टिंग के कारण काफ़ी नई डिस्टर्बेंस नई हो गई थी। आउटलेट ओपन, नई फैक्ट्री है हाँ, देखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग तो थोड़ा टाइम पीरियड लेकर चलना। टाइम पीरियड लेकर चलना। तो फ्रेंड्स ये कंट्रास्ट क्रॉप टॉप लहंगा देख लेते हैं, काफ़ी यूनिक स्टाइल। फैब्रिक के अंदर बनाया हुआ है, जॉर्जेट फैब्रिक के अंदर बना हुआ है, ये सीक्वेंस वगैरह जो फैब्रिक्स होते हैं उसके अंदर दिया हुआ है। ये बॉर्डर इसका कंट्रास्ट दिया हुआ है, ये इस पर लेस का बॉर्डर भी है, लेस वगैरह जो है चेंज होता रहेगा, लेकिन इनका आप कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। मैं ये कॉन्सेप्ट आपको दे सकता हूँ, फैब्रिक हो सकता है मे बी चेंज हो, बट आपको कॉन्सेप्ट ये मिल जाएगा, क्योंकि फैब्रिक्स से ये रेगुलर मार्केट में नहीं होते, लिमिटेड ही इनका आता है, अच्छा इसीलिए ठीक पहले ही है। बता के चलना ज़्यादा बेटर है। बट ये है कि आपको कॉन्सेप्ट दिखा दिया जाएगा, बट जितने इसमें पॉसिबल है उतने तो आपको प्रोवाइड फैब्रिक वो कर आपको सकता हूँ बता मैं। दिया जाएगा। यस यस, अभी इसका जो चोली का पैटर्न है आप देख सकते हैं लेस के अंदर, और वो देख सकते हैं आप इसका पैटर्न काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी मल्टी देखिए, थ्रेड वर्क के अंदर है, सारा का सारा मशीन वर्क है ये, उस काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। तो ये कंट्रास्ट है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसका दुपट्टा भी बूटी वाला है, बैक इसकी काफ़ी ज़्यादा ग्लैमरस आप जो इसकी आजकल बैक सकते हैं, डोरी कॉन्सेप्ट में बैक ट्रेंड में भी चल रही है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक और सुंदर बनी हुई है ये। आप साइजेस भी देख सकते हैं, इसके अंदर आपको साइजेस प्रोवाइड हो जाएंगे। अगर आपको बैक ये चाहिए, स्लीव्स वगैरह या नेक वगैरह चेंज करना है तो हम वो कर देंगे, बाकी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। चारों कंट्रास्ट बनाए देखेंगे, चोली भी कंट्रास्ट, जो कि एक वेडिंग सीजन के अकॉर्डिंग अगर देखा जा सकता है, मेहंदी हल्दी का फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग संगीत का फंक्शन है, आप उसमें इसको वियर कर सकते हैं। या किसी के शादी के अंदर फंक्शन में जाना है आपको तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। जी जो ट्रेल कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात कर रहे थे, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, ये देखिए मल्टी शेड के अंदर इसमें लगाई वो गई थोड़ा है, यू कट शेप में है, मल्टी शेड्स के अंदर, इसके अंदर आप देख सकते हैं काफी ज्यादा यूनिक पैटर्न के अंदर, जो प्री वेडिंग शूट प्रॉपर जो जाते हैं कस्टमर्स हैं मेरे मालदीव वगैरह या कहीं पर जाते हैं और स्टेशन हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग ये बनाया हुआ है, काफी सुंदर हैवीनेस है और मल्टी शेड्स के अंदर है। इसका बैक भी जैसे एडजस्टेबल है बताया था मैंने, उसका भी सेम ऐसे ही बनाया हुआ है, ये पैटर्न भी वही है। इधर आप बैक देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है, नेक के साथ है, और ये फ्रंट है इसका स्पोर्ट वायर के अंदर बनाया हुआ है, तो थोड़ी ये कॉन्सेप्ट काफ़ी प्रीमियम आ जाती है जो आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं yes, कॉन्सेप्ट्स yes, yes, और इसका नेक का पैटर्न देख सकते हैं, ये नेक की गैदरिंग करके बनाया हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा यूनिकनेस आती है जो ये यस। अगर आपको यही पैटर्न इसमें डिफरेंट शेड्स या डिफरेंट कलर्स, आप कलर्स ही बता सकते हैं कि हमको ये कलर्स के अंदर और अगर कुछ अगर हैंड हैंड वर्क थोड़ा ऐड ऑन करना है, हाँ नेट पे वर्क चाहिए या फैदर लगाने हैं आपको बोथ साइड, तो वो भी मैं प्रोवाइड कुछ कस्टमाइज्ड जो भी एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा सब हो जाएगा। हाँ बाय पिक, जैसे आप ट्रेल कॉन्सेप्ट के गाउन अगर और कहीं देखे हों आपने तो वो भी बन जाएंगे, आपको दे देंगे। हमारी प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग है, आप दिखा सकते हैं
हमारा पूरा सेट है साइजेस स्लीव्स साइजेस हो जाएंगे स्लीव्स और यस यस कलर टोन। तो फ्रेंड्स ये डिज़ाइन देख लेते हैं बॉल आपके एक अनसेन कलेक्शन देखेंगे बॉल पैटर्न के अंदर ये अगर आपने नोटिस किया होगा तो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है ये नए इस तरह के डिज़ाइन देखेंगे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में ये क्लास बेस है डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट में। अब आपको इसका डिस्क्रिप्शन देंगे बताइए वर्क देखिए आप पहले तो सारा का सारा ओपेक लगाए जो कि काला नहीं पड़ता कभी भी थ्रेड वर्क है सिक्वेंस भी आपको देखो वाटर सिक्वेंस लगी हुई है और ये सारा का सारा रेमबो सिक्वेंस लगा हुआ है आप ये फ्लावर्स भी देख सकते हैं सारा का सारा जरदोजी के अंदर दिया हुआ है ये सबके सब जरदोजी में है और वर्क की फिनिशिंग देख लिया सारा हैंड वर्क है वेस्ट पर भी वर्क दिया हुआ है प्रॉपर और इसकी बैक पर भी पूरा का पूरा वर्क भरा हुआ है पूरा और नीचे बूटों की फिनिशिंग दी हुई है बॉल पैटर्न के अंदर है अंदर शिमर नेट भी दी हुई जिससे कि इसकी शाइनिंग आएगी जिससे थोड़ा और आपको ये हैवी करवाना है और तो ये और भी हैवी अच्छा हो जाएगा कस्टमाइज एक्स्ट्रा बाउंसिंग अगर चाहिए उसका थोड़ा आपको एक्स्ट्रा अगर वर्क चाहिए हैवी और कैंस हैवी और थोड़ा फ्लफी लुक चाहिए स्टिचिंग है वो भी थोड़ा डिफरेंट है ये बॉल कॉन्सेप्ट में ये सारा का सारा प्लास्टिक लगी होती है जिससे कि ये देखिए क्वालिटी दिखा रहे हैं फिनिशिंग देख सकते हैं आप इसकी इसके स्लीव्स का पैटर्न भी डिफरेंट है बहुत साइड चाहिए डिफरेंट नेक करना है आपको देखेंगे तो वो भी हो जाएगा स्लीव्स का पैटर्न भी डिफरेंट है बॉल लुक के अंदर सारी कस्टमाइजेशन अवेलेबल है अगर कलर टोन भी बदलनी हो साइजेस सारे चेंजेस हो जाएंगे वर्क तो हमारे और हैवी चाहिए बुटीक्स और शॉपकीपर्स हैं हाँ जो रिटेलर्स हैं उनको भी थोड़ा प्रायोरिटी बेस पे हम काम करते हैं बस आपको टाइम पीरियड लेकर चलना पड़ेगा थोड़ा टाइम पीरियड में डिस्टरबेंस हो गया वो जो विजिट करना चाहते हैं वो पहले आप कॉल करके आइए जो आपको रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से आपको अपॉइंटमेंट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये डिज़ाइन देख लेते हैं डिज़ाइनर पैटर्न में स्कैल्पिंग बॉर्डर के साथ है और एक जैकेट पैटर्न है जैकेट के अंदर ये अंदर ट्यूब दिया हुआ है इसके ये देखें ट्यूब टॉप ये ट्यूब है ऊपर जैकेट दी हुई है फुल स्लीव्स के साथ है और वर्क काफ़ी यूनिक है बारीक वर्क है काफ़ी ज़्यादा बारीक है सही में देखेंगे थ्रेड पॉल्स जुर्कन कटदाना बहुत ही ज़्यादा बारीक और टाइम कंज्यूमिंग है ये बेल्ट का पैटर्न भी दिया हुआ है इसमें ये स्लीव्स है ये बेल्ट का पैटर्न दिया हुआ है देखिए ऊपर से इसके डिफरेंट इनोवेशन करी है डिफरेंट ऑर्गेंजा स्कर्ट है बैक भी फुल भरी हुई है देखिए बैक बहुत सुंदर है इसकी स्कैल्पिंग है पूरे पर ऑर्गेंजा है नीचे भी आप देख सकते हैं वैसा प्योर होता है अभी सारा डायमंड लगा हुआ है शंटू कलर आप जो कहेंगे वो कलर इसके अंदर बन जाएगा साइज कस्टमाइज हो जाएंगे टाइम कंज्यूमिंग है डिज़ाइनर पैटर्न है काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनर है आपको अगर इंस्टा वगैरह पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा डिज़ाइनर पैटर्न के अकॉर्डिंग ये सारा का सारा सब में साइजेस वर्क अगर कुछ ये करवाना एलिगेंट लोगों जो जो जिनको डिसेंट सोबर एलिगेंट यस, चाहिए उनके अकॉर्डिंग बना हुआ फंक्शनली किसी हाई प्रोफेशन में जाना फंक्शन है कुछ है उसके अकॉर्डिंग अगर वैसे अगर कुछ भी आपको बाय पिक है आपके पास अगर कुछ जैकेट कॉन्सेप्ट में कुछ एड ऑन्स कराना हो टाइम पीरियड और माइंड में रखकर चलना वो हो जाएगा जी। तो फ्रेंड्स ये डिज़ाइन देख लेते हैं उस ट्रेप कॉन्सेप्ट और आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है वर्क देखेंगे टोन टू टोन मैचिंग का कॉन्सेप्ट काफ़ी आजकल इन है जो बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं उसी टेस्ट में आजकल ये लीफ पैटर्न दिया हुआ है ये लीफ के ऊपर क्रिएशन कर रहे हैं देखेंगे सारे डिफरेंट लीफ पैटर्न सारा वायरिंग है वायरिंग के ऊपर वर्क देखेंगे लीफ पैटर्न इसका वर्क भी आप दिखा सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और ऑर्गेन्जा और जॉर्जेट का मिक्स किया हुआ है इसके अंदर ऑर्गेन्जा भी हमारी प्योर होती है ड्रेप पैटर्न के अंदर है सारा फैब्रिक क्वालिटी देखना समझ आएगा प्योर है प्योर के फैब्रिक से फील कर सकते हैं आप ये नहीं है कि आपको क्लियर पैटर्न है इसका ये इधर से ड्रेपिंग चालू हुई है डिफरेंट क्लियर के अंदर है क्या आप देख सकते हैं इसका पैटर्न काफ़ी डिफरेंट है इसकी बैक जो लेयर की होल डिजाइन ये लेयर है तो ये आपका लहंगा चोली ड्रेपिंग या साड़ी कम लहंगा आप कह सकते हो वो दोनों चीज़ें कवर कर देती है ड्रेप
साड़ी लहंगा कलर कस्टमाइज हो जाएगा, लेकिन टोन टू टोन वर्क है, लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। ये अनियन शेड है जो पर्पल स्टोन भी देता है, और वो भी दोनों चीजों में कॉम्बिनेशन देखेंगे। पियाजी कलर जॉर्जेट और ऑर्गेन्जा का मिक्स है इसके अंदर, और नीचे भी काफ़ी ज़्यादा ये आप देख सकते हैं प्योरी डाइवली यूज़ होता है हमारा नीचे के अंदर, इसलिए थोड़ी हमारी चीज़ें जो होती हैं थोड़ी कॉस्टली होती हैं, क्योंकि हम मोस्टली जो है प्योर ही यूज़ करते हैं ताकि उसकी फील आ सके कि आप एक डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट पहन रहे हैं। जो विजिट करना चाहें उनके लिए मोस्ट वेलकम है। हाँ जी हाँ जी जी, बट ये है कि आप डिज़ाइन सेलेक्ट करके आए, आपको क्या लेने में इतना टाइम, शॉर्ट लिस्ट करके आए अपने हिसाब से, बस बता दीजिए हाँ जो तो भी आप पहले से उसका माइंडसेट या डिस्कस कर ले फोन कॉल पर कि करवाना क्या है, एग्जैक्टली आपको टाइम होता नहीं हमारे पास क्योंकि प्रॉपर फैक्ट्री है तो हमको जाना भी पड़ता है और इतना टाइम दे नहीं, पहले से बात कर आइए ज़्यादा बेटर रहेगा।